नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की वीडियो बना रहा हूँ बच्चे। साइंस से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये भी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए इनकी। तो आपको जैसे पता होगा कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो आविष्कार हुए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो रिसर्च है वो बहुत पुरानी है। तो उन फैक्ट के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहला जो फैक्ट है वो देखें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जो डेली आप पढ़ते भी है 9th 10th 11th 12th की बुक में। तो 1609 में गैलीलियो गैलीलियो याद होगा आपको, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ बना था उससे भी पहले गैलीलियो ने अपना बनाया था बिल्ड हिज फर्स्ट टेलीस्कोप। तो सबसे पहला टेलीस्कोप गैलीलियो गैलीलियो ने 1609 में बनाया था। उसके बाद में इनका नाम तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, सर आइजक न्यूटन, सर कहते हैं इन्हें, है ना। पब्लिश्ड एक फिलोसफी बना इसने पब्लिश की थी, मैथमेटिका नाम से इन्होंने पब्लिश किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। और 1705 में एडमंड हैली ने पब्लिश की थी एक साइनोप्सिस, और जो थी आपकी एस्ट्रोनॉमी ऑफ कॉमेट्स के बेस पर, ठीक है ना, कॉमेट्स की एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर एक वोल्टा नाम का साइंटिस्ट आपने अच्छे से सुना होगा, है ना। वोल्ट आप बहुत अच्छे से यूनिट खूब याद करते होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता होगा। तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था एक इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इनके लिए हमें क्लैपिंग भी करना चाहिए और ये चीजें याद भी रखनी चाहिए हमारी। ये चीजें साइंस के स्टूडेंट के लिए ये उसके मंत्र के बराबर है भाई। अब उससे आगे आ जाते हैं, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, दमित्री मेंडलीव, ठीक है ना, इवानोविच दमित्री मेंडलीव इनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश की थी वो 1869 में की थी, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हालांकि अब चल रही है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी का एक संशोधित रूप है। मेंडलीव का नाम बहुत बड़ा जाता है। आगे चलते हैं, 1873 में जेम्स मैक्सवेल ने एक पब्लिश की थी एक बुक जिसका नाम था ट्रेसाइस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा आविष्कार था भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद ही दुनिया में कुछ डेवलपमेंट शुरू हुआ है। चलिए, 1895 में यहाँ पर आप देखें कि कोनराड रोंटेगन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च गया, मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। हालांकि बहुत सारी चीजों में इसका फायदा हुआ है। जे जे थॉमसन पर आ जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और इसका इसमें जे जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। और मैक्स प्लांक ने पब्लिश किया था एक इंफॉर्मेशन, प्लांक कांस्टेंट नाम से आप जानते हैं, आप 11th फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये नाम जरूर याद आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, गुगलेलिमो जो है उन्होंने रेडियो सिग्नल सबसे पहला रेडियो सिग्नल जो ब्रॉडकास्ट किया था वो किया था 1901 में। इसके बाद में अगली रिसर्च पर आ जाते हैं भाई, और अगली जो रिसर्च है वो आ जाते हैं मैक्स प्लांक, मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं जी अल्बर्ट आइंस्टाइन में। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा नाम है भाई, आपने सुना होगा। तो इन्होंने स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी पर। उसके बाद में नील्स बोर्स का नाम आपको कैसे भूल सकते हैं, और बोर्स ने ही सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर बनाया था। तो स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी पर, ये सॉरी नोबल प्राइज उन्हें मिला था फिजिक्स पर उनके वर्क में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। नील्स बोर को हम जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते, याद करते और समझते 9th 10th में। तो जो आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर या वैलेंसी जो भी कुछ है वो नील्स बोर के बेस पर ही है। उसके बाद में आ जाते हैं जी एडविन के, डॉक्टर एडविन पर उन्होंने जो है हबल लॉ बनाया था, हबल लॉ के नाम से जानते हैं जिस लॉ को, उसको डिस्कवर किया था। और उसके बाद में सर चंद्रशेखर, ये हमारे लिए प्राउड की बात है ना,
रिसीव किया था नोबल प्राइजेस फिजिक्स के लिए अपनी रोमन इफेक्ट पर। और 1938 में ऑटो हॉर्न जो है उनको उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फिजन। और इन सब के साथ में भाई एक नाम और जोड़ लेना, एच सी वर्मा को अभी एक प्राइज मिला है बच्चों, तो इस बात को जरूर याद रख लेना। उनके काम पर यानी कि उनकी टीचिंग पर, बहुत बड़ी टीचिंग, और पता नहीं कितने IITian उस बुक ने और एच सी वर्मा ने तैयार किए। और ये सबसे पहली बुक है जो केवल राइटर के नाम से जानी जाती है, पब्लिशर के नाम से नहीं जानी जाती है। तो इन सब चीजों को आप मेमोराइज जरूर करें और इन सब चीजों को आप कहीं ना कहीं अपने पेज पर प्रिंट करके रखें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चे। अब लगातार टर्म वन की तरफ मैं फोकस करता चला जाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए के सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।